मंदिर बसाने भिखारी पहले चले हमने मिस्टर गोप्रो ठंडी देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं सारनाथ, जो कि बनारस का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और उसका रीजन ये है कि ये जैन और बुद्धिस्ट दोनों के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है, क्योंकि जैन के 11वें तीर्थंकर शासनाथ भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया था। अगर बुद्धिस्ट की बात करें तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पे पहली बार अपना उपदेश दिया था। तो चलो वहीं चलते हैं और बाकी बात वहीं पे करेंगे। तो जर्नी की स्टार्ट करेंगे हम लोग धामे के स्तूप से, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था और इसी के मेमोरी में अशोका ने यहाँ पे स्तूप बनवाया था। ये देखो मंदिर बसाने भिखारी पहले चले हैं। यार ऐसे हाथ फैला के कौन गाइड करता है। और भाई यहाँ पे आ गया है मार्च का मौसम और इतनी गर्मी हो चुकी है कि अपना कैमरा भी टाइम बोल चुका है। और यहाँ पे आए तो रिकॉर्डिंग करने, लेकिन कुछ खास रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही, तो कोशिश करेंगे जितनी रिकॉर्डिंग हो पा रही उसमें सब दिखा पाए, लेकिन यार मुश्किल ही लग रहा है ब्लॉग बन पाना। दोस्तों यही अपना मेन स्तूप है जिसको द ग्रेट एम्परर अशोका ने बनवाया था। और अशोका के बारे में थोड़ा बताऊं तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत मार काट किया करता था। इनफैक्ट उसने अपने खुद के भाइयों को भी मार दिया था, लेकिन धीमे धीमे उसने बुद्धिस्ट को अडॉप्ट किया और बाद में गौतम बुद्ध के मेमोरी में ये सारे स्तूप डेवलप किए। चलेंगे म्यूजियम की ओर, जिसका टिकट सिर्फ 5 रुपए है और जहां पीछे घूम रहे थे उसका टिकट 20 रुपए था, यानी कॉम्बो पैक आप 25 रुपए में दोनों चीज घूम लोगे। म्यूजियम के अंदर एंटर करते ही आपको लॉयन कैपिटल या अब मैं कहूं नेशनल एम्बलम दिखता है और उसके जस्ट पीछे आपको अशोक चक्र दिखेगा। सारी हो गई ज्ञान की बातें, लेकिन जो इस म्यूजियम का बेस्ट पार्ट था वो था यहाँ का एसी। अब हंसो मत यार, आप भी यहाँ होगे ना तो यही फील कर रहे होगे, क्योंकि भाई बाहर बैंड बजा देने वाली गर्मी थी। ज्यादा राहत यहाँ की किसको मिली होगी? एनी गेस? मिस्टर गोप्रो ठंडी देखो चलने लगे, बाहर भी होशी थी। हम बाहर क्यों नहीं भाई, उनको एसी में रखो, वहाँ पे से रिकॉर्ड करो मैं। वही ना, यार पीछे वाली मैडम मस्त थी यार। जब मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद इन्होंने आके बोला कि रिकॉर्डिंग बना है, गुड है। अब यार अंदर बहुत ही सुंदर मंदिर बना है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बस अंदर के व्यूज एंजॉय करो। अब क्या चुतिया पैरे फिर से रिटेल का। अरे यार और अब हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर की ओर,
और यही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि यार अपने साथ एक ट्रेजेडी हो गई है जिसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सारनाथ और सारनाथ घुमाते घुमाते आपको एक ट्रेजेडी हो गई कि हमारा एक कैमरा जो है ये पूरा का पूरा बोल गया। आधा शूट तो इसने बिल्कुल सही लिया और आधे शूट में इसने पूरा पार्ट को ब्लर कर डाला। और ये बात हमें पता लगी घर पहुंच के, और घर पहुंच के जब पता लगी तो कस्टमर को कॉल कर इसको भेजना होगा सिंगापुर। ये सिंगापुर जाएगा, वहां से एक्सचेंज होकर नया कैमरा आएगा और इस प्रोसेस में लगभग 15-20 दिन लगेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया यार कि 15-20 दिन तो काफी लंबा ड्यूरेशन है, तो जितना पार्ट बन गया है वो पार्ट तो कम से कम आप तक पहुंचा ही दें और बाकी जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में पहुंचाएंगे। हालांकि कोई प्लान नहीं था इसका सेकंड पार्ट बनाने का, लेकिन अब यार मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए शॉर्ट्स तब तक प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून, लिव योर ड्रीम, एंजॉय एवरी सेकंड ऑफ लाइफ, बिकॉज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।